ये फिर आ गया। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग जाने वाले हैं शूट पर। बाज इन बिहार एक मूवी बनने वाली है, तो उसी मूवी में हम लोग आज शूट करने जा रहे हैं। और कहाँ जाने वाले हैं ये स्थल हमें मालूम नहीं है। और देख सकते हैं मधुसूदन जी अभी काम कर रहे हैं, एक बाल बना लेंगे, इसके बाद जस्ट हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का वाहन पीछे लगी हुई है और ड्राइवर साहब आ रहे हैं। अब हम लोग जस्ट यहाँ से कुछ देर के बाद हम लोग निकलेंगे। तो देख सकते हैं ड्राइवर साहब है जो कि मधुसूदन जी को बोल रहे हैं कि जल्दी निकलिए, लेट हो रहा है। तो हम लोग कुछ ही तरीके बाद यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या सीन होता है। दोस्तों तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। देख सकते हैं मधुसूदन जी आ गए और हम लोग वाहन पर बैठते हैं और निकलते हैं वहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर वाहन हम लोग लगी हुई है और बैठते हैं गाड़ी में। हम लोग खुल गया गाड़ी, अब हम लोग बैठते हैं, बैठ गए हम लोग गाड़ी में, निकलते हैं शूट स्थल पर। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी हम मेदिनी नगर में आए हुए हैं और यहाँ पर एक कलाकार है, उनका इंतजार किया जा रहा है। तो वे यहाँ पर आएगी, इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो फिलहाल वो पीछे आ चुके हैं तो निकलते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं फाइनली दोस्तों हम लोग ड्रेस में हो चुके हैं और हमारे बीच देखिए मधुसूदन जी हैं जो कि ठीक है और दबेगा आगे से। अच्छा आगे से उनका लगभग ठीक है, इधर थोड़ा सा आपका ज्यादा हो गया, इधर से इधर उठा दीजिए। हाँ। तो हम लोग फाइनली ड्रेस पहन लिए हैं, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे सूट पर क्या। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं ईटा भाटा की ओर, वहीं पर हम लोग का लोकेशन है। और दोस्तों हम लोगों के साथ एक फनी मोमेंट हो गया, जैसे ही हम लोग वाहन पर सवार होकर निकले लोगों में यह खबर फैल गई कि यहाँ पर पुलिस आ रही है। तो जितने भी यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे वे लोग यहाँ से भाग गए, और बाद में जब उन्हें मालूम चला कि हम लोग फिल्म शूटिंग करने वाले हैं तब जाकर वे यहाँ पर आए। और यहाँ पर जितने समय तक शूटिंग हुआ यहाँ के लोग खूब इंजॉय किए और शूटिंग को देख करके वो बहुत उत्साहित थे, क्योंकि पलामू में इस तरह की पहली बार फिल्म बन रही है। लोगों में गजब का उत्साह था, लोग उत्साहित थे कि पलामू में इस तरह की फिल्म बन रही है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और वे अपनी बातों से हमें उत्साहित भी कर रहे थे। बरसेता में भाटा पर जो शूट था वो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग निकल चुके हैं बरवाड़ी की ओर, और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या सीन होता है। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों का जो वहाँ पर भाटा पर था शूट वो हो चुका है और हम लोग पहुँच चुके हैं बरवाड़ी अंतर्गत। यह एक जगह है जो कि बहुत ही बेहतरीन जगह है और देख सकते हैं इधर एक पुल है। तो हमारे बीच हैं मधुसूदन जी जो कि यहाँ के बारे में बताएंगे, कौन सा जगह है ये? मंगरा गटर है। हाँ, तो मंगरा गटर के पास बरवाड़ी जाने वाली रास्ता है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम लोगों का जो वाहन है यहाँ पर खड़ी है और भी कलाकार लोग पीछे हैं। इसके बाद इधर शूट होना है और क्या शूट होता है तो हम लोग को मालूम नहीं है, डायरेक्टर साहब आएंगे इसके बाद हम लोगों को निर्देशित करेंगे क्या क्या शूट करना है, क्या क्या सीन है क्या। तो देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन बहुत ही भव्य है दोस्तों, और यहाँ पर भी हम लोग शूट करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को किस तरह से यहाँ पर शूट होता है। ये फिर आ गया। पीछे हो रहे
तो फाइनली दोस्तों हम लोग का जितना भी सूट था वो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग लंच के लिए नदी के किनारे बैठ चुके हैं। ये मधुसूदन जी जो कि दबा के लिट्टी खाए हैं, तो लिट्टी को पचाने के लिए शक्तिवर्धन चूर्ण बना रहे हैं। ये देखिए पुलिस की वर्दी में हामिद सर जो कि लिट्टी खा रहे हैं। लिट्टी बहुत ही बेहतरीन और स्वादिष्ट था, इसीलिए लिट्टियाँ हम दबाइए के खाए हैं। देख सकते हैं काला पगड़ी में प्रवीण सर जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। और यहाँ पर जो दृश्य है दोस्तों प्रकृति की गोद में बसा ये लोकेशन हम लोगों को यहाँ पर शूट करके बहुत ही मज़ा लगा। और यहाँ के लोग भी बहुत ही सपोर्टिव थे जो कि हम लोगों को बहुत ही सपोर्ट किए और बहुत ही मज़ा लगा दोस्तों यहाँ पर शूट करके। तो फाइनली दोस्तों हम लोग का जो शूट था आज का कम्प्लीट हो चुका है और देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर फिल्म देखने आए थे, मतलब फिल्म का शूटिंग देखने आए थे। कैसा लगा शूटिंग? अच्छा ये जो स्थल है अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो जगह है इस जगह का क्या नाम है? लंका। अच्छा ये मतलब कहाँ पर पड़ता है? झारखंड। झारखंड मतलब ये बारवाड़ी में पड़ता है कि बरवाड़ी? बरवाड़ी। अच्छा बरवाड़ी ये इसका नाम टोला है, लंका खड़िया। हाँ तो देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किए तब जाकर के आज का जो शूट है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद जय भारत।